आज दिनांक 10 जनवरी 2024, टाइम 2:45। आज हम प्रेडिक्शन करेंगे कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है 10 जनवरी को, निफ्टी की क्लोजिंग क्या रहेगी। निफ्टी की क्लोजिंग जो है 21,550, अभी की 21,570 का करंट मार्केट रेट है, 21,570 का करंट मार्केट रेट है। इक्कीस पाँच सौ पचास निफ्टी की जो है आज की क्लोजिंग हो सकती है। अगर निफ्टी 21,525 को ब्रेक करता है तो हम 21,510 और या 21,490 तक की क्लोजिंग मान सकते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको मैं कंफर्म करा दूंगा कि 21,550 या 21,600, 21,600 के भी आसार हैं बाज़ार में। 21,600 और 21,550, देखते हैं किधर बाज़ार रहेगा। अगले 15 मिनट में मैं आपको क्लियर करूँगा कि बाज़ार किधर जाएगा। तब तक के लिए होल्ड करते हैं, वीडियो पॉज करते हैं। अभी बाज़ार 21,570 पे है, 21,600 मेरा मानना है, 21,600 को बिल्कुल निफ्टी टच करेगा। 21,600 को निफ्टी बिल्कुल टच करेगा, क्लोजिंग भी वहीं की आएगी। 21,600 से 10 पॉइंट ऊपर या नीचे 21,600 को 3:30 बजे तक निफ्टी जरूर की जरूर टच करेगा। लो भाई, बाजार 21,600 की तरफ रवानगी करता हुआ, 21,566 का करंट मार्केट रेट है अभी, 21,566 का करंट मार्केट रेट है। 21,600 की तरफ निफ्टी रवानगी करता हुआ, बाजार 21,575, बाजार 21,575, 21,600 आपको अभी एकदम बस अगले 15 मिनट के अंदर अंदर 21,600 आपको देखने को मिलेगा। 610 या 590 की क्लोजिंग के आसार हैं आज के, देखते हैं क्या करता है। तब तक के लिए वीडियो को हम पॉज करते हैं। लो भाई, 21,586 निफ्टी का करंट मार्केट रेट है, 21,586, 20 रुपये ऐसे मिल गए जैसे जैसे क्या, जैसे रेट, जैसे मनचाहा रेट मिल गया वो। 21,586 निफ्टी का करंट मार्केट रेट, 21,586, 21,588 90, 21,600 को 101% टच करेगा। मैंने बोला है, सुशील ने बोला है, सुशील ने 101%। फिर मैंने इंडस टावर का भी बोला है कि इंडस टावर 218 या 222 की क्लोजिंग आएगी इंडस टावर की। लो भाई, 290, 21,590 को टच कर दिया है बिल्कुल, मेरा मानना है ये और भी ऊपर जाएगा। अब तब तक के लिए वीडियो थोड़ा सा हम पॉज करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। ले भाई, 21,594, 21,594 निफ्टी का करंट मार्केट रेट, 21,595, 21,600
10-20 तक ये जाएगा ही जाएगा। 21-600 का तुमने बोला ही था, जाएगा 97, 98, 99, 100, 600। 21-600 भाई टच कर दिया है बिल्कुल। इतनी लाजवाब प्रडिक्शन, मैं चैलेंज करता हूँ 2:30 बजे के बाद कोई, 3 बजे के आसपास कोई दे दे तो। जितने भी इंडिया में ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करते हैं या जो मेंटर हैं, मेंटर जो बोलते हैं अपने आप को कि मेंटर चाहिए किसी को बताओ, वो मेंटल हैं, वो बोलते हैं कि लास्ट के 1 घंटे पहले, मार्केट के क्लोजिंग से 1 घंटा पहले तो काम ही नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि जितना स्टिक प्रोडिक्शन लास्ट में होता है उतना स्टार्टिंग में तो होता ही नहीं। 21-603 भाई ये टच करेगा, 21-600, 21-600 के आसपास की क्लोजिंग आएगी, मेरे से पूछ लेना, 100% कह रहा हूँ मैं, 101% बोल रहा हूँ मैं। 610 भी वो, 610 तक का मेरा मानना है, 10 आ जाए, 6-6, 21-590 आ जाए। ये तो तब था जब 21-665 का करंट मार्केट रेट था, जब बोला था मैंने। तो अब बाजार यहीं पे ही थोड़ा होल्ड करेगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, देखते हैं क्लोजिंग क्या आती है, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं। 21-610 भी टच कर दिया है, ये तो भाई और ऊपर तक जाएगा। 620 जल्दी आ भाई, 612, 613, 614, 616, 17 आ गया, 17 को टच कर गया है, और ये 20, 610, 20 की क्लोजिंग आएगी भाई, लिख के ले लो, 600, 610 की। भाई 650 चला जाए तो बेच देना, 100% नीचे आएगा। अगर ये 650 तक चला जाए तो यहाँ से बेचना बनता है, क्लोजिंग 610 या 600 की आएगी। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं, टाइम दो, पूरे 3 बज गए टाइम। लो भाई, 21-625, 21-625 आ चुका है, 101%, 26-30 से ऊपर बेच बेच देना आँख बंद करके। अभी बाजार को हम यहाँ से गिराने की कोशिश करते हैं, बाजार को गिराने की कोशिश करते हैं अब यहाँ से। बाजार को अब गिराने की कोशिश करते हैं यहाँ से। आज भाई 4 कैंडल होगी अब तो, कि 600 का हमारा सपोर्ट बन चुका है। सौ 40 तक टच करके गया भाई ये तो, 21-633, 34 करंट मार्केट रेट। इक्कीस 600 की क्लोजिंग आएगी, अब ये डाउन आएगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, 650, 650 क्या है, 650 तो नहीं जाएगा लेकिन 600 जरूर जाएगा।